तेरा रास्ता जो कि जमीन के अंदर तक पूरा भी बहुत अंदर है, ये बंद हो चुका है कोल माइन है। अच्छा, और ये देख रहे हैं अभी लग रहा है यहाँ से देखने में। देख रहे हैं पूरा काला काला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और अभी बज चुके हैं सुबह के 10, हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी कंप्लीट कर लिया है। तो बता दो कि आज हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। वैसे तो कोई हमारा प्लान नहीं था, लेकिन हमने कुछ वीडियोस देखे थे को यूट्यूब पे, तो सोचे कि क्यों ना चला जाए इस टाइम हम लोग भी। तो अचानक से रातों रात प्लान बन गया, टिकट वगैरह हो गया। तो आज हमारी ट्रेन है 2:40 पे, पहले ट्रेन को चले जाने दो। मैं बोल रहा था कि आज हम जाने वाले हैं कोलकाता मम्मी के साथ, और अभी हम तैयार हो चुके हैं और टाइमिंग भी हो चुकी, 1:30 बज चुका है। 1 घंटे पहले ही निकलेंगे हम लोग, क्योंकि रास्ते में जाम वाम मिलेगा। और अपना बैग तो तैयार है, ये अपना बैग भी तैयार है, मम्मी भी तैयार। टोलू चलो, कोई इसने अभी तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, तो ट्रेन भी खुल चुकी है, तो मिलते हैं पहुंच के वहां पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पे, रवि भैया लेने आए साथ में, मामा भी हैं। तो मामा को सामान था तो वही दे दिया हम लोग। तो चलते हैं बाहर में, पहले पहुँचते हैं घर पे, काफ़ी नींद भी आ रहा है। अभी टाइम हो चुके हैं 2, तो चलेंगे। आ चुके हैं घर पे अपने, तो अभी का तो कुछ प्लान नहीं है, अभी नींद भी आ रहा है काफ़ी, तो सोएंगे अभी हम, फिर मिलते हैं सुबह उठ के। गुड मॉर्निंग, एक वापस से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 7। हमने अभी हम सो के भी उठ चुके हैं, हाथ में भी ब्रश वगैरह है, तभी ब्रश वगैरह करेंगे। एक्चुअली कल रात में सोने के टाइम पे यार ट्रेन आया, मतलब कि छोड़ा यहाँ पे। तो फिलहाल अभी बता दूँ कि मैं हूँ आसनसोल से 30 किलोमीटर अंदर साइड, जो कि हरिपुर पड़ता है। तो एक दिन स्टे करके अगले दिन निकलने वाले हम मेन सिटी के लिए कोलकाता, तो वहाँ पे जाएंगे, एक दिन रहेंगे यहीं पे। तो आज कितना होगा दिखाते हैं। अभी हम आए हुए हैं बाहर में, ये जो कि आप पीछे देख पा रहे हैं सारे सरकारी क्वार्टर हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, साथ में हैं रवि भैया भी हैं साथ में। अभी मज़ा आएगा, धूप भी काफ़ी हो चुका है, तो कोई नहीं, देखते हैं। और अभी हम यूं ही चलते चलते आ गए हैं इस पुरानी कोल माइन में, जो कि अभी फ़िलहाल तो बंद हो चुका है। जमीन देखा काला काला। ये जो देख रहे हैं पूरा काला काला। यहाँ पे सब ऐसे ही है। और अभी आप पीछे देख सकते हैं, जो कि बंद हो चुका है कोल माइन है, अंडरग्राउंड है, काफ़ी पुराना भी है, तो अभी तो फिलहाल बंद हो चुका है। रवि भैया भी हैं पीछे में, अभी ये तो अंडरग्राउंड है, फिर आपको दिखाएंगे हम ओपन। और ये पहाड़ भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ से देखने में। और ये रहा रास्ता जो कि ज़मीन के अंदर तक पूरा, अभी बहुत अंदर है ये, अभी तो उतना सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही अंदर तक है। अभी तो फिलहाल बंद हो चुका है। ये कुछ ऐसा काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो इधर से आए और जा रहे हैं इधर, देख रहे हैं ये शायद कुछ मशीनें हैं, अभी बंद हो चुका है। ये देखिए
अच्छा हो गया रास्ते दिखाई नहीं दे में। अच्छा से और ये देख रहे हैं अभी हमको चलना है इधर में। ये सैद कॉलेज है हटीपुर कॉलेज। यहाँ पे ऐसे ही रास्ते मिलेंगे अभी और ये देख सकते हैं हरिपुर कॉलेज है जो कि घर के पीछे ही है और यहाँ से पूरा पहाड़ भी दिख रहा है। हॉल इंजन रूम जो कि अभी बंद हो चुका है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाहर में। अभी हम यूं ही चलते चलते आ गए हैं इधर में। ये जो कि पंडाल देख सकते हैं रात में और काफ़ी बढ़िया लग रहा था लेकिन शूट नहीं कर पाए। रात में आपको दिखाएंगे और अच्छे से। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी खुला होगा चले क्या अंदर में। चलिए अंदर में ही चलते एक बार दिखा देते हैं अभी कैसा सीन है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना रात में और सही लगेगा। देख रहे हैं सजावट कितना बढ़िया हुआ है। चप्पल खोल देते हैं और ये भाई साहब जबरदस्त। और ये बाहर का व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वो दिखाएंगे बाहर में जो कि दुर्गा जी का कलश भी आ रहा है इसी वक्त। अभी यहाँ पे रखाएगा ना आज ही। अच्छा आज मेन पूजा है। आज से घूमना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। आज से हम भी घूमना स्टार्ट कर देंगे जिस लिए आए हैं हम। देख सकते हैं जो कि यहाँ पे कलश स्थापना होगा आज से क्योंकि मंदिर भी स्टार्ट हो गया है घूमने उमने का सब कुछ। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। भी स्टार्ट हो चुका है पीछे में तो कलश स्थापना हो जाएगा तो घूमना भी स्टार्ट हो जाएगा आज से। तो मिलते हैं शाम को दिखाएंगे और भी बढ़िया। काफ़ी चलने के बाद हम लोग जा रहे हैं छोले भटूरे खाने है ना। देखते हैं आ ही गया है। अभी कुछ खाए होएंगे उसके बाद चलते हैं घर पे यहाँ से। और अभी अपना प्लेट लग रहा है वहाँ पर तो लग जाए तो बैठते हैं खाते हैं। और अभी अपनी प्लेट लग चुकी है तो और जूम करके दिखाते हैं। प्याज है अचार भी है भटूरे छोले वाह मज़ा आने वाले हैं। तो सबसे पहले रवि बताएंगे कैसा है। चलो चलो चलो। अरे खाई बिन खाए सही है। अपने अपना भटूरे ख़त्म करके जा रहे हैं वापस से घर पे। साथ में भाई भी है और सब बढ़िया। कैसा था भटूरे। एकदम गजब बढ़िया सही लगा। सही लगा। तभी चलते हैं घर पे फ्रेश वगैरह होंगे ना आएंगे फिर मिलते हैं।